नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आइए नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा ने अमेरिकी टीवी शो फ्रेंड्स रियूनियन के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वे बल्ला उठाकर दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने लिखा, फ्रेंड्स इस रियूनियन का मुझे इंतजार है। आपको बता दें दोस्तों कि दरअसल कोविड-19 के चलते इस वक्त ज्यादातर मैचेस बिना दर्शकों के ही खेले जा रहे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा ने लिखा है कि मुझे इस वक्त का इंतजार है जब हम दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में फिर से वापसी करेंगे और इसी प्रकार के क्रिकेट का आनंद उठा पाएंगे। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में सबसे बड़ा नाम ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का शामिल है। वहीं अब इस मामले में एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, अब तक इस मामले में सुशील कुमार समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि बीते 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों के बीच झड़प की खबरें आई थी, जिसमें पहलवान सागर राणा की हत्या हो गई थी और इस मामले में सुशील कुमार को दोषी माना जा रहा था, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अब पुलिस ने सुशील के खिलाफ हत्या अपहरण आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। दोस्तों, आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों को लेकर जहां बीसीसीआई लगातार कोशिश कर रही थी और इसी कड़ी में बीसीसीआई ने 3 हफ्ते की विंडो भी तलाश कर ली थी, जहां बीसीसीआई 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक इन मैचों के आयोजन को यूएई में कराने पर विचार कर रही थी, वहीं अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ा दी है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए ये कह दिया है कि वे आईपीएल के बाकी बचे मैचेस के लिए अपने खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करेंगे और अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेंगे। 6 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन भारत की एमसी मैरीकॉम दुबई में जारी 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां पर मैरीकॉम ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले में मंगोलिया की लुटसे खान को 4-1 से हराकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। अब देखना ये होगा कि क्या एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में मैरीकॉम गोल्ड जीतने में कामयाब होती है या नहीं। दोस्तों, रेसलर सागर को कथित रूप से पीटते हुए लोगों के साथ सुशील कुमार की हाथ में डंडा लिए हुए एक तस्वीर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें जमीन पर पड़े रेसलर को कथित रूप से लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं और इनके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार भी इस तस्वीर में हाथ में डंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। जमीन पर पड़े शख्स को रेसलर सागर राणा बताया जा रहा है, जिनकी बाद में गंभीर चोटों के चलते मौत हो गई थी। दोस्तों, खेलों से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खेलों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।